या हाय, मैं डॉक्टर स्वाति घनी फ्रॉम रेडियो प्लस स्किन हेयर लेजर क्लिनिक इंदिरापुरम। सो आज हम बात करेंगे अबाउट द एजिंग। एजिंग इज अ ग्रेसफुल प्रोसेस। एजिंग एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस है, जैसे जैसे आपकी स्किन एज होती है, एजिंग लीड्स टू कोलेजन लॉस विच कॉजेस फाइन लाइंस, रिंकल्स, ओपन पोर्स, लाइफ लाइन, लाफ लाइन तक बन सकती है, अंडर आई हॉलोनेस हो सकती है। और इससे जो आपका बेसिक कॉज होता है कि जो आपके डेड सेल टर्नओवर होता है वो आपका लेस होने लगता है। इट ऑल्सो कॉज द पिगमेंटेशन। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो जो पेशेंट्स हैं, अगर उनका एजिंग स्टार्ट हो गया है तो दे कैन स्टार्ट विद द होम केयर। जो आपका पेप्टाइड सीरम्स होना चाहिए, यू कैन यूज वाइटामिन सी सीरम होना चाहिए फॉर द मॉर्निंग एप्लीकेशन। आप रात को रेटिनॉल सीरम भी यूज कर सकते हो विच इंक्रीज डेड सेल्स टर्नओवर ऑल्सो। इट्स इम्प्रूव द टेक्सचर, इट्स इम्प्रूव द स्किन टोन एंड ओवरऑल अपीयरेंस भी आपका अच्छा करेगा। सम ट्रीटमेंट्स भी हम सजेस्ट करते हैं। अगर आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए तो आप अपना यू कैन एड्रेस एजिंग कंसर्न्स लाइक यू कैन गो फॉर द फिलर एंड बोटॉक्स। फिलर आपका आपको टाइटनिंग इफेक्ट देगा, आपका वॉल्यूमाइजेशन ऑग्यूमेंटेशन इफेक्ट करेगा। बोटॉक्स आपके मसल्स रिलैक्स करेगा, जितनी भी आपकी हाइपर एक्टिव मसल्स हैं उनको रिलैक्स करेगा। तो आपकी एजिंग जो आपकी लेट एजिंग है उसमें आपको हेल्प मिलेगी। अगर आपको अर्ली एजिंग हो रही है तो यू कैन स्टार्ट विद अ बोटॉक्स, अ वंडरफुल प्रोसीजर। आइदर यू कैन गो फॉर द थ्रेड लिफ्ट। अगर आपको इंजेक्टेबल प्रोसीजर्स में नहीं जाना है देन यू कैन गो फॉर द एज डिफाइंड फिलर्स, बोटॉक्स या थ्रेड लिफ्ट। थ्रेड लिफ्ट भी आपको बहुत ही अच्छा होल्डिंग इफेक्ट देता है। अगर आपका सैगिंग हो रहा है चीक्स एरिया तो इट विल गिव यू द होल्डिंग इफेक्ट। अगर आपको इंजेक्टेबल प्रोसीजर्स में नहीं जाना है तो आप अपना एज डिफाइंड प्रोसीजर्स भी करा सकते हो, लाइक हाइफो या आरएफ। हाइफो इज अ हाई अल्ट्रासाउंड इंटेंसिटी अल्ट्रासाउंड जो आपको भी लिफ्टिंग इफेक्ट देगा। आरएफ आपको रेडियो फ्रिक्वेंसी है जो वो भी आपको एक लिफ्टिंग और आपकी सेगिंगनेस को इम्प्रूव करेगा। थैंक यू सो मच।